हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं, साथ में बड़ों को भी बहुत ही पसंद आती है। कुछ ही मिनटों में और कुछ ही इंग्रेडिएंट से ये रेसिपी बनके तुरंत ही तैयार हो जाती है। इस मज़ेदार से पोटैटो पैनकेक की रेसिपी को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए जिससे मेरे नए आने वाले वीडियो की रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए पहले तो मैंने 4 आलू लिए हैं। आलू को मैंने धो लिया है, तो अब हम आलू का छिलका उतार लेंगे। आलू में बहुत सारी मिट्टी लगी होती है, इसीलिए मैंने इसे धोया है। तो इस तरह से हम इसका छिलका पहले तो उतार लेंगे। तो यहाँ पे 4 आलू को हमने छील के तैयार कर लिया है। अब चिप्स मेकर की मदद से हम 4 आलू की चिप्स बना लेंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही इजी है, इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हमें 4 आलू की चिप्स को तैयार कर लिया है। सभी चिप्स को एक बर्तन में हम ट्रांसफर कर लेंगे। चिप्स को हमें मसाले डालकर एकदम अच्छे से टेस्टी बनाना है, तभी हमारी पैनकेक भी टेस्टी बनेगी। तो यहाँ मसालों में हम पहले 1/2 चम्मच जितनी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। आपको जितनी तीखी पैनकेक चाहिए उतना तीखा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे और हमने लाल मिर्च पाउडर थोड़ा डाला है, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे, 1 चम्मच जितना चाट मसाला ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम 3 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर पाउडर इसमें ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे जो हमने कॉर्नफ्लोर पाउडर डाला है वो सभी चिप्स में लग जाना चाहिए। सभी चिप्स को अच्छे से हमने कॉर्नफ्लोर पाउडर से कोट कर लिया है मसालों के साथ। तो यहाँ पे हमारी चिप्स रेडी हो गई है। पैनकेक बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा तेल स्प्रेड कर देंगे। तेल को ब्रश की मदद से ग्रीस कर लेंगे। पैन में हमने जो चिप्स बनाए हैं उसको हम एक के बाद एक रख देंगे। सभी चिप्स को हम एक एक करके रख देंगे और एक राउंड सा शेप बना लेंगे। तो एक के बाद एक सभी चिप्स को हम गोलाई में इस तरह से अरेंज करके रख देंगे। गैस को चालू कर देंगे और थोड़ा सा तेल इसके ऊपर डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है। तो नीचे का पार्ट है वो जल जाएगा, तो इसीलिए हमें इसे लो टू मीडियम रखना है और धीरे धीरे इसे पकाना है। तो जो आलू के चिप्स हैं वो धीरे धीरे अच्छे से पक के सॉफ्ट हो जाएंगे और बाद में ये कुरकुरे भी हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर पकाने के बाद हम इस तरह से इसको उठाकर पलट देंगे। तो ये बहुत ही आसानी से निकल गया है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम तेल लगा देंगे और इसे पलटकर रख देंगे। पैनकेक अच्छे से एक साइड सिक चुका है, तो दूसरी साइड हमें इसी तरीके से इसे सेकना है। 2 से 3 मिनट के बाद जो अंदर की साइड है वो भी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगी। तो यहाँ पे पैनकेक बनाने के लिए हमें 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है। बस तुरंत ही पैनकेक बनके तैयार हो गई है। दूसरी साइड भी एकदम अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो एकदम हमारा टेस्टी मज़ेदार सा पैनकेक बनके तैयार हो गया है। दूसरे पैनकेक को भी इसी तरह से रखकर हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा तेल डाल देंगे ऊपर। जब हम दूसरा पैनकेक बनाए तो इसमें तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले वाले में ही हमने जो तेल लगाया था वो पैन में रहता है। तो इस पैनकेक को भी हम 2 से 3 मिनट में फ्राई करके तैयार कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ भी लो टू मीडियम ही रखेंगे। तो पलट के देख लेते हैं कि हमारा पैनकेक है वो नीचे से अच्छे से फ्राई हुआ है का या नहीं। इस तरह से बहुत ही आसानी से पलट जाता है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पैनकेक भी तैयार हो गया है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसे भी पलट कर फ्राई होने देंगे। दूसरी साइड भी 2 से 3 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होने में। तो एकदम मज़ेदार सा हमारा दूसरा पैनकेक भी बनके तैयार हो गया है। आपका पसंदीदा मसाला इसके ऊपर डालकर आप इसे खा सकते हैं।
बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी तुरंत ही बनके तैयार हो गई है। अगर फ्रेंड आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियो की रेसिपी आपको पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।